हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम एक बार फिर से रीजनिंग का नया टॉपिक समझने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है हिडन फिगर, जिसे कभी कभी एम्बेडेड फिगर के नाम से भी जाना जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके लिए अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। देखो, क्वेश्चन आपके स्क्रीन में ये रहा, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हमने करना कैसे है इसको, वो ध्यान से समझते हैं। पहला क्वेश्चन मान लो, यहाँ पर आपके स्क्रीन में ये रहा, यहाँ पर कहा गया है कि ये एक फिगर है, जो आपको सामने स्क्रीन में फिगर दिख रही है, ये एक फिगर है, बताओ। चार ऑप्शंस आपको गिवन है। यहाँ पे कहा गया है कि इस चीज़ को ढूंढो, ये इस ऑप्शन में है, या फिर बी ऑप्शन में है, या फिर सी ऑप्शन में है, या फिर डी ऑप्शन में है। आपको ये चीज़ ढूंढनी है, ये चीज़ कहाँ पर मिल रही है। अब आपको करना क्या है, अगर आप ऐसे पोलाइटली या मतलब ध्यान से लाइटली इस चीज़ को देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, या फिर ऐसा होगा कि ऐसे सेम फिगर आपको ऑप्शन ए में भी दिख जाएगी, ऑप्शन बी में भी दिख जाएगी, एक से ज़्यादा ऑप्शंस में दिखेंगी। तो आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है, मान लो कि यहाँ पर जो फिगर है वो इस तरीके से कुछ, यहाँ पर इस तरीके से फिगर बनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि देखो, मान लो ये वाला कॉर्नर है और ये वाला कॉर्नर है, अगर हम इसे ऐसे आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो लाइन बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कहीं पे यहाँ पर इस तरीके से लाइन दिख रही है तो आप लोगे हाँ सेम पैटर्न बन रहा है तो मैं मान लेता हूँ, या फिर कहीं पे इस तरीके से आपको दिख रहा है तो आप लोगे हाँ वैसी चीज़ है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर अगर आप इसको अगर एक्सटेंड करोगे तो इस पॉइंट को नहीं मिल रहा, ये इस तरीके से आपको देखना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हो सकता है किसी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ पे ऐसी फिगर आपको एक ही ऑप्शन में मिलेगी, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को ध्यान से नहीं देखना, बट जहाँ पे ऐसी चीज़ आपको दो जगह दिख रही है वहाँ पर आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे हम क्वेश्चन वन समझते हैं, यहाँ पर देखो, इस डायग्राम को हम पहले ऑप्शन ए में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन ए में यहाँ ये चीज़ कहीं पर है। अब इसको ढूंढना कैसे है, अब आपको ये नहीं करना कि आप इस प्लस से जो आपको लाइन दिख रही है वर्टिकल लाइन, यहाँ से ढूंढना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये लाइन आपको सब जगह दिख जाएगी, कॉमन है, आपको उस पर फोकस नहीं करना। अब आप इस चीज़ को देखो, आप इसको वी कह सकते हो, कुछ भी कह लो, ये चीज़ जो है आपको इसकी तरफ ध्यान देना है, ये चीज़ आपको जिस ऑप्शन में मिलेगी आपको उस ऑप्शन पर ध्यान देना है। हम पहले इस चीज़ को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। अगर हम ए ऑप्शन की बात करें, ये चीज़ हमें ढूंढनी है, देखो ये चीज़ ए ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ए ऑप्शन में कहीं मिल रहा है आपको, ढूंढ लेते हैं। देखो यहाँ पे इस तरह से वी मिल रहा है, लेकिन जब ये वी मिल जाएगा उसके एंड में एक लाइन ऐसे भी होनी चाहिए, और ऐसा हमें कहीं भी नहीं मिल रहा। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये वी हमें यहाँ पर ये वी तो मिल रहा है, लेकिन लास्ट में हमें ये लाइन कहाँ मिली, कहीं नहीं मिली। और कहीं पर भी आप ध्यान से देख लो, अगर मैं इस चीज़ को देख लेता हूँ तो ये भी मुझे वी मिल रहा है, इसके एंड में ये लाइन भी मिल रही है, लेकिन इसके ऊपर ये इस तरह की लाइन भी है, वो हमें यहाँ पर मिल नहीं रही कहीं पे, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी फिर से आपको इस तरह का वी कह लो या लेस देन वाला साइन कह लो मिलेगा आपको, लेकिन इसके बाद जैसे आपको ये साइन मिल गया, ठीक है, लेकिन आपको ये कहाँ पर मिल रहा है, ये तो बिल्कुल आगे सीधी लाइन जा रही है, ऐसे मिलना चाहिए था, यहाँ पर भी नहीं है, और कहीं पर चेक कर लो वहाँ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद सी ऑप्शन में बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखो कहीं मिल रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो इस चीज़ की, ये यहाँ पे इस तरह की शेप आपको मिल रही है कहीं पे, यहाँ से देखें नहीं मिल रही है, ये एक वी मिल रहा है हमें, ये एक वी मिल रहा है, फिर से वही बात है कि ये चीज़ हमें कहीं नहीं मिल रही, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। डी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, डी ऑप्शन में देखो आपको वी कहीं पे मिल रहा है, एक वी ये मिल रहा है आपको, ठीक है, उसके ऊपर ये चीज़ लाइन है, ये वाली लाइन है, वो भी मिल रही है, ठीक है, लेकिन इसके एंड में ये कहाँ गया, वो तो है नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। और कहीं ढूंढ लेते हैं, एक वी हमें यहाँ पे देखो ये मिल रहा है, एक भी हमें ये मिल गया, इसी तरह की शेप हमें मिल गई, हाँ ठीक है, इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड किया जाए तो इसी तरह की शेप मिल रही है, हाँ बिल्कुल मिल रही है, इसके ऊपर एक लाइन मिल रही है, हाँ मिल रही है, इसके नीचे एक लाइन मिल रही है इस तरह की, हाँ बिल्कुल मिल रही है, यानी कि डी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आपको चीज़ों को देखना है। इन क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी करना चाहते हो तो यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक आपको कोई नहीं मिलेगी, आपको इन क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आसानी से इन क्वेश्चंस को करोगे। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इस तरीके से चीज़ बनानी है, ये चीज़ आपको बनानी है। यहाँ पे हो सकता है आपको एक ही क्वेश्चन में डायग्राम मिले इस तरह की चीज़ मिल जाए तो आपका क्वेश्चन खत्म, वहीं पे सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, लेकिन ये चीज़ आपको किसी दो ऑप्शंस में मिल रही है, आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। देखो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर को अगर मिलाओगे तो स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को मिलाओगे तो स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है कब, अगर ये चीज़ आपको दो ऑप्शन में मिल रहा है। अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को ढूंढना, इसका आंसर कहीं पे यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस चीज़ को ढूंढते हैं पहले, है ना, आप किसी भी चीज़ को ढूंढ सकते हो। हम पहले जो ऊपर वाला पोर्शन है ये इसको ढूंढते हैं, ये यहाँ पर देखें कहीं पर आपको मिल रहा है,
ये हाँ मिल रहा है बिल्कुल, ये भी मिल रहा है ठीक है, लेकिन उसके बाद नीचे भी तो एक लाइन है, वो हमें नहीं मिल रही। तो यानी कि एल आपको, ये देखो यहाँ पर भी ये पैटर्न आपको मिल रहा है ऊपर वाला, लेकिन इसके बाद नीचे भी तो एक्सटेंड होना चाहिए, हो नहीं रहा। तो यानी कि ये ऑप्शन तो है नहीं। बी ऑप्शन में चलते हैं, बी ऑप्शन में आपको कहीं पर मिल रहा है, देखते हैं यहाँ पे ये आपको एस लाइन मिल रही है, बट आगे इस तरह से नहीं आ रही। तो बी ऑप्शन में कहीं पे नहीं आपको देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे चलो मिल रहा है आपको ऐसे, लेकिन नीचे ये तो है नहीं, तो यानी कि बी ऑप्शन भी नहीं है। सी ऑप्शन की बात कर लेते, कहीं पे देखते ऐसे मिल रहा है आपको। सी ऑप्शन में आपको अगर हम इसकी बात करें, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो बिल्कुल सही। इसको देखो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, यानी कि यहाँ पर है, यहाँ पे एक और जगह मिल रहा है, ये देखो ये लाइन बन रही है, ये है, ये है, तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपको मिल रहा है। तो सी ऑप्शन आपको यहीं पर पता लग गया सही है, डी में जानने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब हम एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद बस करते हैं यहाँ पर, थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या ढूंढना है, ये चीज़ आपको फिगर ढूंढनी है। देखो अगर आपको एक चीज़ बता दूँ, हमारे रीजनिंग का ये काफ़ी दिन हो गए हम रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने बाकी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखें। ये आपके SSC की बात करें, JEE एग्ज़ाम की और आरबी JEE एग्ज़ाम की बात करें, वहाँ पर आपके काम आने वाली वीडियोज़ हैं। अब हमें यहाँ पर ये चीज़ ढूंढना है ठीक है। यहाँ पर इसके लिए ज़रूरी क्या है कि देखो इस तरीके से डायग्राम बन रही है, ये वाले कॉर्नर और ये वाले कॉर्नर को मिलाओगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन ये आगे एक्सटेंड हो गया है, मतलब यहाँ पे अगर इसको नीचे करोगे ना तो स्ट्रेट लाइन नहीं बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। इसे हम ढूंढ लेते हैं। तो हम यहाँ पर पहले क्या करते हैं, इस चीज़ को पहले ढूंढते हैं ये कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं, ऑप्शन ए में आराम से मिल रहा है, ये हमें मिला, ये मिला, ये मिला और ये मिला, इस तरीके से मिल गया। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए इसका आंसर है, तो बिल्कुल ऑप्शन ए ही इसका आंसर है, हमें ऑप्शन पहले में ही मिल गया, तो बाकियों में हमने क्या करना जाके, टाइम वेस्ट वाली बात है। तो यहाँ पे आपको सामने दिखा ये चीज़ आपको मिल गई ऑप्शन ए में ही, तो बाकियों में जाके क्या करोगे, तो ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर आ गया, बाकी हमने जाना ही नहीं है। अगर आपको ऑप्शन ए में नहीं मिला तो हो सकता है आप ऑप्शन बी सी में डी में जाओगे, तो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अगर फिर भी कहीं पे आपको मिल जाता है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर यहाँ से लाइन एक्सटेंड करोगे तो इसको नहीं मिलनी चाहिए, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको देखो एक यू देखना है, इन्वर्टेड यू कह सकते हो, मतलब थोड़ा सा टिल्ट हुआ यू कह सकते हो, उसके बाद यहाँ से एक लाइन ऐसे जा रही है, इस चीज़ को ढूंढना है। तो हम पहले यू को ढूंढ लेते हैं, यू कहाँ पर मिलेगा। ये यू देखो आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है, ये यू आपको एक बड़ा यू ये आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बाद इस तरह से लाइन नहीं मिल रही ठीक है। एक ये आपको यू देखने को मिल रहा है और इस तरीके से लाइन भी मिल गई है, तो बिल्कुल सही, ए ऑप्शन में आपको आंसर मिल गया, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये लो क्वेश्चन भी यहीं पे ख़त्म हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, हिडन फिगर कह लो, एम्बेडेड फिगर कह लो, उसके SSC JEE के एग्ज़ाम में। तो ये रहा आज का टॉपिक, किसी भी तरह का डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।